हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और मैं आप लोगों के लिए तीन दिनों से कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाया, इसके लिए आई एम सॉरी। इसके पीछे एक वैलिड रीज़न भी था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे सेट्स तैयार कर रहा था। और इसके बाद बिहार एक्साइज दरोगा के मेंस परीक्षा में सफल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और एक्साइज दरोगा कम्प्लीट करना है। आज हम लोग इस वीडियो में 65वीं बीपीएससी के लिए 46वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि फुल लेंथ होगा 150 प्रश्नों का और सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जहां भी जरूरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुषों का 2021 में कहां पर आयोजित होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। 23 से 28 अप्रैल 2019 के बीच में चीन में संपन्न एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा जो कि 2019 में संपन्न हुआ? ऑप्शन सी 8वां स्थान रहा, 1 स्वर्ण 6 रजत और 9 कांस्य, मतलब 15 पदक भारत ने जीते, 16 पदक। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी वर्ष 1923 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा झंडा पहली बार कब लहराया गया? ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1929 को। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच और भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक किस में मानी जाती है? ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह में। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने। आयोजन हुआ था इसका 1931 में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में कहां से खाली हाथ लौटे थे? ऑप्शन सी लंदन में हुए द्वितीय गोल मैच सम्मेलन से। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया था? ऑप्शन बी अछूतों के लिए। 1932 में यह पंचायत आया था जिसमें कि मुसलमानों, सिखों और अनुसूचित जातियों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने साहेब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? ऑप्शन बी बख्त खां, जो कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व कर रहा था। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन सी तात्या टोपे। कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, भील विद्रोह और संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भील विद्रोह। भील विद्रोह दो बार हुआ था 1812 से लेकर 19 तक, जो कि चेन्नावा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, चेन्नावा। और दूसरा हुआ था 1825 में सेवरम के नेतृत्व में, सेवरम, सेवरम। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है?
ऑप्शन ही इनमें से कोई भी नहीं, सभी सही सुमेलित है। कुका विद्रोह पंजाब, पावना विद्रोह बंगाल, कुकी विद्रोह त्रिपुरा और एका आंदोलन अवध में हुआ था। निम्नलिखित पत्रिकाओं के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी नायक, यह बंगाली भाषा की पत्रिका थी न कि पंजाबी। बाकी सब सही है, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सोलह का सही उत्तर ऑप्शन ई, इनमें से सभी। बारदोली गुजरात में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश, नोआखली पश्चिम बंगाल, यरवदा महाराष्ट्र में। ठीक है, बारदोली आंदोलन हुआ था 1918 में, चौरा चौरी में कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, नोआखली में भयंकर दंगा हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल में, यरवदा जेल है जहां पे गांधी जी को कैद करके रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ई, इनमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल की, महारानी अहिल्याबाद होलकर राज्य, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? ऑप्शन सी मौलाना हसरत मोहानी ने। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ठीक है, उन्नीस का सही उत्तर ऑप्शन सी गोवा, दमन और दीव। 17 दिसंबर 1961 को गोवा को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सैनिक कार्रवाई के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया था। इस प्रकार पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने जुलू पदक वगैरह वापस कर दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी का जो मिला हुआ था जुलू पदक। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा गया? बाईस का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरजमल। मिश्र धातु ड्यूरेलुमीन के प्रमुख संघटकों में कौन शामिल नहीं है? ड्यूरेलुमीन। 23 का सही उत्तर ऑप्शन डी जिंक नहीं है, बाकी सब शामिल है। इन तीनों से मिलकर बनता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। इसका उपयोग वायुयान में किया जाता है और प्रेशर कुकर बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी गलत है, बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, न कि कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी सबसे ये चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पत्थर या संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड। निम्नलिखित में से किसकी खोज वैज्ञानिक डेवी ने की थी? ऑप्शन ई, इनमें से सभी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यह एक एंटीसेप्टिक है, ना कि एंटीबायोटिक्स। बाकी सब सही है, सल्फा डाइजीन सल्फा ड्रग्स के अंतर्गत आता है, नाइट्रस ऑक्साइड निश्चेतक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोम में मिरिसिल पोमिटेट रहता है?
ऑप्शन है शहद की मक्खी के मोम में या शहद की मधुमक्खी के मोम में। कार्बोना मोम जो होता है यह ताड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है तथा इसमें मिरिसिल सेराटेट होता है। ठीक है, मिरिसिल सेराटेट। स्पर्मेटी मोम यह स्पर्म व्हेल से प्राप्त किया जाता है और इसमें सेटिल पोमिटेट होता है। सेटिल यह व्हेल मछली से प्राप्त किया जाता है। पैराफिन मोम का जो निष्कर्षण होता है वह पेट्रोलियम से होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का कौन सा स्थान है? बहुत ही यूनिक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी 9वां स्थान है। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश। बहुत से लोगों ने कहा कि सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आती, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। थोरियम के नाभिक को किसमें बदला जा सकता है? ऑप्शन बी प्लूटोनियम में। प्रोटॉन परमाणु नाभिक का एक धन आवेशित कण है। नाभिकों के दो प्रोटॉन के मध्य किस प्रकार का बल होता है? ऑप्शन डी सदैव शून्य। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होते हैं? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है एनपीएन में। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन बी बढ़ेगी। पारा तापमापी किस ताप तक मापन के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी 252 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को ऑप्शन सी कांच से वायु में ले जाया जाए। बिहार के निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? एक प्रश्न बिहार की योजनाओं से जरूर होते हैं। ऑप्शन बी गलत है, इसमें 6000 की जगह कितना हो जाएगा 5000 रुपये मिलता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के समय गरीब परिवार की कन्या को, बाकी सब सही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 54100, पिछली बार भी पूछा था। कबीर अंत्येष्टि अनुदान में 3000 एक मुश्त राशि मिलती है बीपीएल परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर। और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में 1500 रुपये प्रतिमाह मिलता है ग्रेड 2 के कुष्ठ के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ऑप्शन ए 56.66%, ठीक है 56.66% हुआ था कुल मतदान। और इसमें 3,79,93,173 लोगों ने मतदान किया था। यह चुनाव 16वीं विधानसभा के लिए 5 चरणों में हुआ था। ठीक है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कितने चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती हुई थी 8 नवंबर 2015 को, जिसमें कि आरजेडी को सबसे ज़्यादा 80 सीट मिला था। बिहार के उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ई सभी सही सुमेलित है। तसर रेशम उद्योग भागलपुर, कच्चा रेशम उद्योग कटिहार और पूर्णिया, सिगरेट उद्योग दिलवारपुर मुंगेर, कागज एवं लुगदी उद्योग डालमिया नगर रोहतास में। प्रमुख खनिज संसाधन उनकी प्राप्ति स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? ऑप्शन डी हो जाएगा, डोलोमाइट पूर्णिया नहीं बल्कि रोहतास में पाया जाता है, बाकी सब सही है। अभ्रक हो गया गया, नवादा मुंगेर और जमुई में, पायराइट रोहतास बंजारी और कोरियारी क्षेत्र में, बेरेलियम गया और नवादा में।
आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए 2,06,484 किलोमीटर। बिहार से गुजरने वाला कौन सा राजमार्ग पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक, NH 28 और NH 31। भारत में रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी पांचवा स्थान हो जाएगा। बिहार की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गलत को चूज करना है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, सी और डी ये दोनों जो है गलत सुमेलित है। गंडक परियोजना जो गंडक नदी पर स्थित है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से संबंधित है, जबकि सोन नदी पर स्थित है वान सागर परियोजना जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। श्री महामाया प्रसाद कब बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन बी वर्ष 1967 में, 1967 में डचों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? ऑप्शन सी 1632 में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए CWG, इसे कहते हैं समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र। भारत के मैदानी क्षेत्र इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा और शीत ऋतु शुष्क होती है। 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा बिहार और बंगाल के पूर्ण अधिग्रहण के बाद बिहार का गवर्नर किसे बनाया गया? ऑप्शन बी मुनीम खां को। बिहार की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के संबंध में गलत जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन ए ही गलत है, बागमती जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बाकी सब सही है, कर्मनाशा विध्यांचल की पहाड़ियों से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से, कोसी सप्तकोश की पूर्वी नेपाल से निकलती है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में कब हुआ था जिसमें मोहम्मद फरुखद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन सी वर्ष 1908 में। पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन कब किया था? ऑप्शन बी वर्ष 1913 में। 16 सितंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के बाद एनी बेसेंट पटना कब आई थी? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 18 अप्रैल 1918 को। 26 जनवरी 1931 को पटना में राष्ट्रीय झंडा किसने फहराया था? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों के संबंध में सही जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, ए सी और डी तीनों ही सही है। श्री कृष्ण सिंह जो है मुंगेर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे नमक आंदोलन के, ना कि पटना में। बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने शुरू में अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2019-20 के बिहार बजट के अनुसार कहां से सबसे अधिक रुपया आता है बिहार सरकार को? ऑप्शन ए केंद्रीय करों में राज्य का अंश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया? यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है 65वीं BPSC के लिए। वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित जितने भी बातें हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी
14 जून 2019 को। बिहार राज्य का वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व का कितना हिस्सा केंद्रीय अनुदान का है? किस्सा के जगह पे यहाँ पे हिस्सा हो जाएगा। संतावन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 21.9%। सितंबर 2017 तक बिहार के जिलों में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन बी पूर्णिया। वर्ष 2017-18 के वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? उनसठ का सही उत्तर ऑप्शन ए 42,242 रुपया, मतलब 42,242 रुपया है, ठीक है। और स्थिर कीमतों में 2011-12 के अनुसार है 31,316, यही पूछा जाए 31,316 वाला। किस वायसराय ने कहा था कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती? ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन सी जेम्स मिल ने। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब किनके बीच संधि हुई थी मैंगलोर की? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। 1784 में हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जो कि अनिर्णायक रहा था। इसमें कुछ शर्तें थी, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटाने का वचन दिया था। दोनों पक्ष युद्धबंदियों को रिहा करने पर भी राजी हो गए थे। टीपू ने मैसूर राज्य में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को मान लिया था। निम्न में से कौन मानव में होने वाले जीवाणुवीय, मतलब जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं? टाइफाइड, एड्स, मलेरिया, पेचिश, डिसेंट्री। सही उत्तर ऑप्शन डी पहला और चौथा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा सही और पेचिस हो जाएगा। एड्स जो है वायरस या विषाणु के कारण होने वाला रोग है। इसके अलावा जीवाणुओं के द्वारा और भी रोग होते हैं, जैसे कि प्लेग, डिफ्थीरिया इत्यादि होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है? ऑप्शन सी आसान है, मलेरिया से। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए उमंग। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं होती हैं उमंग, और मादा हो गया जायांग। जब एक ही पादप में नर एवं मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन बी द्विलिंगी। पुरुषों में किशोरावस्था के समय शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन के स्रावण के कारण शुरू होती है? ऑप्शन डी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन बी केवल 10%। जीव का कोई ऐसा गुण जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी अनुकूलन। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, चारों महानगर। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन बी रोपण कृषि। भारत में जनगणना सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1800
72 में, लेकिन रेगुलर जनगणना जो 1881 से शुरू हुआ, पहली जनगणना जो हुई थी। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, जास्कर, चारों में से कौन? ऑप्शन बी, धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी जो है वृहत हिमालय का भाग है, ठीक है, वृहत हिमालय का, ना कि लघु हिमालय। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में शामिल नहीं था? पचहत्तर का सही उत्तर ऑप्शन ई, सभी थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके कारण दोनों प्लेटों के बीच में 33 भू अवनति से अवसादी चट्टान और वलित होकर हिमालय पर्वतीय श्रृंखला बने। द्वार स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। इसका उपयोग जो है चाय बगान लगाने के लिए किया जाता है। ब्राक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? ऑप्शन बी, मणिपुर एवं मिजोरम। यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली एक मुख्य नदी है। ब्राक नदी जो है मेघना नदी की एक सहायक नदी है। हिमालय पर्वत की विभिन्न चोटियों और उनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल जो है उससे संबंधित है धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू। जम्मू कश्मीर संबंधित है नंगा पर्वत से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसके अलावा कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि सिक्किम में है। हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न जनजातियों और उनके निवास स्थान के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। भोटिया वृहत हिमालय में, लेपचा सिक्किम हिमालय में, यह भी सही है। डफला जो है अरुणाचल हिमालय में रहती है और गद्दी ये धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। गद्दी वाले जो है, गद्दी जनजाति वाले अपने आप को गढ़वा राजस्थान के शासकों का वंशज मानते हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिम घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में से अन्नामलई के नाम से नहीं बल्कि नीलगिरी के नाम से जानते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में। बाकी सब सही है। महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से, केरल में कार्डमम इलायची की पहाड़ियों के नाम से, तमिलनाडु में नीलगिरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में, बाकी सब। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार से। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए, वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों के नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 से कौन कौन संबंधित है? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। नए राज्यों का प्रवेश जो है अनुच्छेद 2 से संबंधित है।
निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन ए गलत है। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में पड़ता है। बाकी सब सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 21 हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को मिलता है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन डी राष्ट्रीयकरण के आधार पर गलत है। राष्ट्रीयकरण की जगह पर क्या हो जाएगा? देशीयकरण या प्राकृतिक वरण द्वारा, मतलब नेचुरलाइजेशन के द्वारा। 5 तरीके से नागरिकता मिलती है, जन्म से, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण या प्राकृतिक वरण द्वारा और राज्य क्षेत्र के समावेशन के द्वारा। नागरिकता का अर्जन के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? ऑप्शन डी गलत है। पंजीकरण के द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से ठीक 6 वर्ष नहीं 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। बाकी सब सही है। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। बाकी सब गलत है। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अवाद योग्य है। मूल अधिकार न्याय योग्य है क्योंकि इनके उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संसद जो है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं। मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, परंतु यह उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आपातकाल के समय में मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संसद का सचिवालय ऑप्शन सी सरकार से स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 98 में उपबंद किया गया है। संसदीय कार्यवाही शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए शून्यकाल जो है भारत की देन है, ना कि ब्रिटिशों की। इसकी अवधि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का होता है। संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान अधिकतम 20 मामले उठाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें प्रश्नकाल पूछा जाता है, इसलिए प्रश्नकाल भी इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। सभी सही सुमेलित है। कृषि से भिन्न आयकर केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए किंतु संघ और राज्यों के बीच में बांटा जाता है। निगम कर केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए और प्रतिधारित कर होते हैं। बिक्री कर एकमात्र राज्य सरकार का कर इसको माना जाता है। आयकर पर अधिभार एकमात्र संघ सरकार का कर ये होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कई समितियां बनी जिन्होंने सिफारिशें की, किसने ऐसी सिफारिश नहीं की थी? ऑप्शन है जीवी के राव समिति, बाकी सबने की थी। एलएम सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति ने की थी। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ई, सभी कथन सत्य हैं। बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, इस योजना का लक्ष्य देश में लगातार गिर रहे बाल लिंग अनुपात को सुधारना है। बालिकाओं बच्चों के उत्तर जीवित और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। लिंग पक्षपाती चयन को रोकना है। इसकी शुरुआत जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2016 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया था। कब किया था? 15 जुलाई 2015, ठीक है, 2016 को नहीं। बाकी सब सही है। यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की कम संख्या एवं पुरातन मतलब पुरानी प्रकृति के कारण रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं और श्रम शक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार रह जाता है तो इस समस्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट। किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय को जोड़कर उसमें घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को घटाकर क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन सी, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में, और इस बजट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है, भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार तृतीयक क्षेत्र में नहीं बल्कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह में मिलता है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? ऑप्शन ए, एक वर्ष से कम। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? ऑप्शन सी, 52वां स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को का सदस्य नहीं है? 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, अमेरिका और इजराइल। निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा 2019-20 के केंद्रीय बजट में की गई है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक समीक्षा 2018-19 में वास्तविक जीडीपी विकास दर कितना होने की अपेक्षा की गई है? ऑप्शन बी, 8%। 16 जुलाई 2019 को यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन चयनित हुई? ऑप्शन डी, उर्सुला वॉन डेर लेन, ये जर्मनी की पॉलिटिशियन है। इसके अलावा शमीला बटोही जो है इसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण की प्रमुख के रूप में प्रभार ग्रहण करने वाली पहली महिला है। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व प्रधान थी पहले।
जुलाई 2019 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन नामित हुई है? ऑप्शन ए क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि पहले आईएमएफ की प्रमुख थी। 6 जून 2019 को अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य कौन निर्वाचित हुई? ऑप्शन बी रोमिला थापर, जिनसे हाल ही में जेएनयू के द्वारा बायोडेटा मांगा गया है कि आपकी योग्यता क्या है। बहुत ही शर्मनाक बात है। कंजर्वेटिव नेता और व्यवसायी नायब बुकेले ने कहां के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? का सही उत्तर ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। 30 मई 2019 को महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर काम करने वाली एजेंसी यूएन विमेन की उप कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए अनीता भाटिया। गगनदीप कांग जो है रॉयल सोसाइटी यूके की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है। 7 मई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में कौन पुनः निर्वाचित हुए? ऑप्शन सी जगजीत पवड़िया। अफ्रीकी अमेरिकी महिला वकील लॉरी लाइटफुट हाल ही में किस कारण से चर्चा में रही? लॉरी लाइटफुट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, शिकागो की प्रथम अश्वेत महिला मेयर बनने के कारण। 18 मार्च 2019 को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में यूएस सर्किट न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए भारतीय मूल की अमेरिकी वकील अधिवक्ता नियोमी जहांगीर राव। हाल ही में हुए बैंकों के विलय के बाद बैंकों की संख्या 18 से घटकर कितनी हो गई है? ऑप्शन बी 12। 28 जुलाई से 3 अगस्त 2019 के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पर रहे? ऑप्शन ई एक से अधिक, बेनिन, गाम्बिया और गिनी। बेनिन की यात्रा पहली बार किसी राष्ट्रपति ने की है भारत के। असम में फाइनल राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी में कितने लोगों के नाम सूची से बाहर है? ऑप्शन डी लगभग 19.06 लाख, मतलब 19,06,657 लोगों के नाम। हाल ही में डंपा बाग अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया, यह कहां है? ऑप्शन बी मिजोरम में। राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत किस वर्ष तक भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना है? ऑप्शन डी वर्ष 2030 तक। 7 अगस्त 2019 को एथनोलॉग द्वारा जारी एक सूची के अनुसार पापुआ न्यू गिनी में सर्वाधिक जीवित स्वदेशी भाषा है, इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर्थ स्थान है। भारत में वर्तमान में कुल 453 जीवित भाषाएं, स्वदेशी भाषाएं 453 सॉरी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, ऐसा किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए विमल जालान समिति। और यह राशि जो है 2018-19 के जीडीपी का 1.25% है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने किस स्थान पर प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने का संयंत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी देहरादून में। हाल ही में भारत के किस राज्य में मकड़ी की एक विलुप्त प्राय प्रजाति पीकॉक पैराशूट स्पाइडर पाई गई है?
ऑप्शन सी तमिलनाडु में नीले रंग की मकड़ी होती है। हाल ही में किस देश के द्वारा बाबर 373 वायु रक्षा प्रणाली को सेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी ईरान के द्वारा। बाबर का अर्थ होता है विश्वास, बिलीफ। और इस मिसाइल की मारक क्षमता है 300 किलोमीटर 186 मील। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2019 के महिला एकल के खिताब वियांका आंद्रेस्कू ने किसे पराजित कर जीता? ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स को। और पुरुष एकल के विजेता रहे स्पेन के राफेल नडाल। 10 अगस्त 2019 को किस क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में लगातार 17 जीत का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने। जुलाई 2019 में किस रेलवे जोन ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए 8 ट्रेनों में कुछ पिंक कोच लगाए हैं, जिसका परिचालन जो है शुरू कर दिया गया है? ऑप्शन बी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। 15 अगस्त 2019 को तमिलनाडु सरकार द्वारा किसे एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन को। 1 से 10 मई 2019 तक भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नौसेना अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? ऑप्शन ए गोवा में संपन्न हुआ। सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक कब से कब तक घोषित किया गया है? सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक। ऑप्शन डी 2014 से 2024 तक। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार को। जब कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो जहांगीर ने उसे कितने मनसब और खान की उपाधि दी थी, मतलब इंग्लिश खान की उपाधि? ऑप्शन ए 400 का मनसब और 7000 या 12000 का मनसब जो है केवल राजकुमारों को ही दिया जाता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यह युद्ध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, न कि लॉर्ड विलेजली। विलेजली के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बाकी सब सही है। इस युद्ध का समय 1775 से 82 है। इसकी शुरुआत हुई थी सूरत की संधि 1775 से। इसका अंत हुआ था सालवाई की संधि 1782 से। और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस समय पेशवा था माधव राव नारायण। 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले दिल्ली पर पुनाधिकार कब कर लिया गया? ऑप्शन है 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में यह अभियान चला था। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग ने। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का उनके संस्थापक के साथ कौन सा सुमेलन सही नहीं है? ऑप्शन सी में एनी वेसेंट होगा, एनिमेशन के जगह पर। ठीक है, टाइपिंग एरर है, एनी वेसेंट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। यह निकाली जाती थी दो भाइयों मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा। बाकी सब सही है, हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद हुआ था? ऑप्शन सी गया अधिवेशन। कब हुआ था? 1922 में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के प्रयासों से। बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924
1924 में सूरत अधिवेशन 1907 में 1905 के स्वदेशी आंदोलनों के दौरान स्वदेशी माल की सप्लाई करने के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। सबसे पहले बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर किसने खोला था? ऑप्शन बी आचार्य प्रफुल्ल चंद राय ने। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? ऑप्शन ए तट से 12 नॉटिकल मील तक। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? ऑप्शन बी 7 बजे प्रातः। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? स्थल रुद्ध देश। ऑप्शन बी लाओस। आयन मंडल की किस परत को एप्लेटन परत भी कहा जाता है? ऑप्शन सी एफ लेयर। ठीक है, आयन मंडल जो 4 परत में विभाजित है, डी ई एफ और जी। निम्न में से गलत जोड़े की पहचान करें, जल धाराओं के संबंध में यह दिया गया है। ऑप्शन सी अलास्का की धारा जो है एक गर्म जल धारा है, ना कि ठंडी। बाकी सब सही है, अलनीनो गर्म है, ओखा टस्क ठंडी है और हम बोल्ट ये भी ठंडी जल धारा है। भारत में योजना अवकाश कब था? पंचवर्षीय योजना कब नहीं लाया गया था? 142 का सही उत्तर ऑप्शन बी 1966 के सूखे के पश्चात। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? योजना अवकाश जो था 1966 से 69 तक था। 143 का सही उत्तर ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? ऑप्शन बी अभ्रक शीट में। ठीक है, अभ्रक शीट हो जाएगा, सबसे ज्यादा भारत में होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस प्रकार का दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, बाकी सब कर सकता है। व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन बी कुछ का हो सकता है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शन बी केशवानंद भारती वाद। ठीक है, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद याद ही होगा, जिसी के बाद इमरजेंसी लागू हुआ था जिसमें कि इंदिरा गांधी को अयोग्य करार दिया गया था सांसद के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 350A में। निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन सी आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए, ना कि कनाडा से। बाकी सब सही सुमेलित है। मूल अधिकार यूएसए, शासन की संसदीय प्रणाली यूके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।